बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं बात कर रही हूँ सईदा फरवा खुरमजीज परीसी की तरफ से। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आप सबको जैसे कि पता है कि हम लोग ब्रीजे के ड्रेसेस जो हैं आप तक लेके आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, स्विस लॉन वगैरह वगैरह। तो सारी सिस्टर्स का एक ही होता है कि आप हमें कुछ डिज़ाइनिंग का भी जो है वो थोड़ा बता दें कि इसको किस तरीके से स्टिच कराएं। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग लेके आए हैं जो आप लोग देखिएगा और साथ साथ मैं इसको डिस्क्राइब भी करूँगी। तो आप किसी भी दुनिया के कोने में हैं और आपने ख़ुद भी सूट सिलाई करना है तो इजीली वहाँ से आइडिया लेके आप सूट सिलाई कर सकती हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने डिफरेंट डिज़ाइंस की तरफ। अब सबसे पहले ये जो डिज़ाइन है आपके सामने ये देखें, ये ब्लैक के कलर का एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, बड़ा ज़बरदस्त। ये तो ऑल ओवर में, लेकिन अगर इसके बाजू छोटी बूटी में भी हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट सा डिज़ाइन है। इसको कहते हैं जी चाइना लेस। तो चाइना लेस लेके उन्होंने बाजू के आगे लगाई हुई है, गले में हल्का सा जो है वो कट रखे, उसमें मगजी की हुई है और बैन रखा हुआ है। बड़ा ही डिसेंट ज़बरदस्त सा बेल बॉटम के साथ बाजू बनाते हैं ये सूट तैयार किया हुआ है। तो ये जो अगला डिज़ाइन है बड़ा ज़बरदस्त है, ये वाइट कलर का सूट है। इस तरह के सूट तो हमारे पास आते भी बहुत ज़्यादा हैं, वाइट पे वाइट कढ़ाई। तो उसने देखें कि चाइना लेस लेके तो सामने बाजू पे और सामने दामन पे लगाई हुई है और थोड़ा सा सूट के अंदर से ही जो है ना पीस लेके तो गले को ऐसे पलट के उसका गला बना के वी शेप में तो उसको तैयार कराया हुआ है। तो ये देखें कितना एलिगेंट और डिसेंट सा ड्रेस लग रहा है। दरमियान में छोटी लेस इस्तेमाल की गई है और इस सारी लेस की टोटल कास्ट 350 से 400 रुपये आती है। तो आप देखें ये सूट कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया हुआ है। इस आर्टिकल को भी देखें, ये भी बहुत खूबसूरत है। सेम चाइना लेस थोड़ी किंगरी स्टाइल में लेके बाजू और दामन पे लगी हुई है और स्टोन मेटल जो बटन्स होते हैं वो लेके इन्होंने गले पे लगवाए हुए हैं। और ये एक बटन की कॉस्ट होगी टोटल कोई 30 रुपये या 40-50 रुपये, और चाइना लेस ये जो लगी हुई है इसकी टोटल जो कॉस्ट होगी 350 से लेके 400 के दरमियान होगी। तो देखें सूट आपका कितना डिसेंट और एलिगेंट तैयार हो गया। अगला डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है, शॉर्ट शर्ट है, दरमियान में इन्होंने कट रखा हुआ है, बड़ा ट्रेंड चला था ये कट वाला। छोटी जो है ना चाइना पट्टी लेस इस्तेमाल की गई है जो कि बॉर्डर पे फ्रंट दामन पे और बाजू पे इस्तेमाल की गई है। नेकलाइन वही वी शेप में और दरमियान में थोड़े से बटन्स लगाए हुए हैं। ट्राउज़र को बेल बॉटम शेप दी गई है, बहुत खुला ट्राउज़र नहीं है, स्ट्रेट बेल बॉटम में ट्राउज़र है और बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है जी। शॉर्ट शर्ट जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त आर्टिकल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल इस तरह का तो आता हमारे पास बहुत है, अब ये क्लियर तस्वीर नहीं है। ये जी बेबी पिंक के ऊपर वाइट कलर की कढ़ाई है। तो आप देखें कि इसने कितना ज़बरदस्त बाजू का स्टाइल बनवाया हुआ है कि बाजू थोड़े से कट में बाजू हैं और चुंटों के अंदर ये जो ऊपर लगी हुई है ना इसकी चुंटों के अंदर ये ऐसे फोल्ड होके तो ये अलग से तैयार होती है। पहले तैयार होके लेस खुद तैयार करते हैं दर्जी और फिर ये आपके ऊपर लगती है। और सेम इसी तरीके से नेकलाइन जो है इसकी बैंड शेप में है और आगे लॉन्ग बेली बटन तक आपके बटन्स आ रहे हैं और थोड़ी खुली घेर वाली फ्रॉक है और साथ में इसने जो है ना थोड़ा शरारा टाइप जो है वो अपना ट्राउज़र स्टिच कराया हुआ है। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा डिसेंट सा डिज़ाइन है जो गर्ल्स लाइक करती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो वो भी सिंगल जो लाइट इंग्लिश कलर स्कीम के ड्रेसेस होते हैं उनको इस तरीके से तैयार करके कैरी कर सकती हैं। तो ये भी आप अपने टेलर को दिखा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इस तरह का हमें जो है वो डिज़ाइन तैयार कर दें। तो बहुत ही प्यारा, बहुत नाइस सा ड्रेस तैयार हुआ हुआ ये, तो इसको भी ज़रूर आप नज़र में रखिएगा। ये शिफून का जोड़ा, इस तरह का जोड़ा मेरे पास आया भी था तो देखें इन्होंने कितना नाइस सा सिया हुआ है। बेल बॉटम थोड़े लूज फिटिंग में इसके बाजू हैं और नेकलाइन पे थोड़े जो है वो बटन्स लगाए हुए हैं और डिसेंट है। छोटी किंगरी में जो लेस होती है वो इसके फ्रंट बॉर्डर पे इस्तेमाल की गई है और बाजू के सामने इस्तेमाल की गई है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा डिसेंट सा जोड़ा तैयार हो गया। लाइट एम्ब्रॉयडरीड वर्क के अंदर ये देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरीड ड्रेस है। इसकी भी नेकलाइन आप गौर करें और इसके बाजू के आगे इसने कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कराई गई है। ब्रीजे बेसिकली सारे का सारा इसी तरीके से फ्रंट नेकलाइन बॉर्डर गोल गले और बेल बॉटम
जो है बाजू बनाता है, और इसी तरह के इसने अपने मॉडल्स को जो है वो ड्रेसेस तैयार करा के पहनाए होते हैं, क्योंकि ये इसी तरह की स्टिचिंग के अंदर खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा जोड़ा है। उसके बाद ये वाला देख लें, ये जो है ऊपर ऑल ओवर की जो शर्ट होती है उसका इसने गाउन पहनवा लिया है, और नीचे इसने जो है जामावार का सेम मैचिंग जो लेके इसने जो है वो शर्ट तैयार कर लिया इस मॉडल ने। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत और डिसेंट सा सूट लग रहा है। आपके सामने ऊपर गाउन है, नीचे जामावार का जो है वो इनर है। तो जो ऑल ओवर के स्विस लॉन्ग के ड्रेसेस होते हैं आप उसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डिज़ाइन हमारे पास डिफरेंट कलर्स में आया था और अभी भी अवेलेबल है। ये देखें इसने कितना ज़बरदस्त सिलवाया हुआ। जो इन्होंने ट्राउज़र तैयार कराया वो थोड़ी स्टाइल में, टाइट स्टाइल में तैयार करवाया है। ट्राउज़र में भी इन्होंने देखें कि थोड़ी सी लेस इस्तेमाल कर दी है क्रोशिए वाली, और जो शर्ट है उसके बाजू के आगे भी इन्होंने चाइना लेस जो छोटी होती है उस पर चिकन वाली वो इस्तेमाल की है। जो बाजू के आगे और दामन के आगे इन्होंने छोटी लेस का इस्तेमाल किया है। गला छोटा पहन है, बहुत बड़ा पहन नहीं है, और नेकलाइन खुली है, और आगे उसी तरीके से लटकने वाले या हैंगिंग वाले बटन यूज़ किए हुए हैं। ये भी ब्रीजे की कोई 2015 की ईद कलेक्शन का एक जोड़ा मेरे हाथ में लगा। स्विस के इस तरह के काफ़ी ड्रेसेस हमारे पास आते रहते हैं। तो इसने बेसिकली स्विस की शर्ट को इसने जो है गाउन तैयार करवा लिया, नीचे शलवार का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके तो अपना इनर तैयार किया, और प्लेन स्ट्रेट ट्राउजर के अंदर जो है इसने अपनी वो ट्राउजर रखा है। तो ये भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जोड़ा लग रहा है। गाउन स्टाइल का काफ़ी ट्रेंड है। ये भी शर्ट के आगे जो नीचे लगी हुई है, ये शर्ट के साथ की ही पट्टी लगवाई गई है, शर्ट शॉर्ट रखी गई है, और ट्राउजर जो है ट्राउजर की जगह टाइट्स है, और ऊपर गाउन स्टाइल के अंदर इसने जो है वो अपना फुल लेंथ गाउन बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि शॉर्ट शर्ट में दामन के ऊपर इन्होंने छोटी सी वो शर्ट के साथ की लेस इस्तेमाल की गई है। चेस्ट भी छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा कि एक पट्टी इस्तेमाल की गई है इस लेस, और बाकी लॉन्ग गाउन, और ये गाउन लॉन्ग गाउन तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग गाउन बहुत ट्रेंडिंग है। आखिरी डिज़ाइन के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊंगी। ये देखें इसने ए लाइन में शर्ट रखी हुई है, बाजू जो है तो ये भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, इसको भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी और क्लियर वीडियो बनाऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन, नेकलाइंस और इस तरह के आइडियाज़ दे सकूँ, ताकि आप अपनी अच्छे से अच्छी स्टिचिंग करा सकें, अच्छे से